एजुकेशन सेंटर अयोध्या एम्पावर सेंटर से वेलकम इन द वंडरफुल सेशन टुडे ऑनरेबल चीफ स्पीकर इंपीरियल मास्टर मिस्टर हांग सर एंड एसोसिएट स्पीकर डायमंड मास्टर संजय मेश्राम सर एंड डायमंड मास्टर संजीव कुमार सर एंड मिस्टर ए आर शर्मा सर एज वेल एज माई वैल्यूबल पार्टनर्स एंड पार्टिसिपेंट्स। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है और इस सेशन की शुरुआत करने के पहले जैसे हम लोग का कंपनी के मोटर शुरुआत करते हैं तो प्लीज आप सभी लोग अपने माइक को वेलकम सर। और आप सभी लोग आज के सेशन में एकदम पेशेंस के साथ तुकबंदी हमारे मतलब करके रहेंगे जो हमारे डायमंड मास्टर हैं और संजीव सर हैं और साथ में हमारे इंपीरियल मास्टर मिस्टर हांग सर हैं। तो हांग सर मिस्टर हांग सर आपका प्लीज वेलकम टू यू ऑन द बोर्ड सर एंड संजीव कुमार सर प्लीज आप अपना माइक आप ऑन कर लीजिए एंड आई वांट टू ओवर टू दिस सेशन मिस्टर हांग सर एंड मिस्टर संजीव कुमार सर ओवर टू यू सर प्लीज कंटिन्यू सर। सोंसांगामी सो हु सपोज टू स्टार्ट फ्रॉम ऑन मिस्टर हांग शुड स्टार्ट और या मिस्टर हांग सर मिस्टर हांग सर 예, 송사장님이 지금 초대하신다고 말씀해주셨습니다. 예. 그럼 내가 낀 사람 됩니까? 네. 여러분 안녕하십니까? 나마스테 아사비키. 아사비키 나마스테 나마스테. 저는 예, 나마스테 everyone. Our Hong is saying. 저는 한국에서 사업하고 있는 임페리얼 마스터 홍영구입니다. So. I am Imperial Master Hong Yong-gu, doing the business from South Korea. 여러분 만나서 반갑습니다. It's very thankful to you meet you all. 아 오늘 상당히 많이 들어오셨네요. 500명이 넘는 분이 들어오셨군요. Today I see more than 500 people here, so it's quite surprised. 바로 내가 강의하면 됩니까? So our Mr. Sir Hong Sir should start presenting his seminar, Mr. Pawan. Yeah, welcome. Okay. 예, 시작하셔도 된다고 합니다. 아, 제가 인도를 갔다 온 지가 지금 제법 됐습니다. 네, so it's been almost more than 3 years that Mr. Hong went to India. 빠르면 9월 늦어도 10월 달에는 제가 다시 뉴델리로 갈 것 같습니다. So, in near one or two months later, I will be visiting India again to New Delhi. 바반 सर, अगर पॉसिबल हो प्लीज अगर पॉसिबल हो तो प्लीज हिंदी में सर कन्वर्ट करेंगे तो जितने मेरे पार्टिसिपेंट हैं तो थोड़ा इजी होगा प्लीज अगर आप कर सके सर। बोलन सर। या ओके जी कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को पहले से बोलना चाहूंगा कि इतने सालों से हिंदी बोला नहीं हूं तो थोड़ा दिक्कत तो है लेकिन मैं कोशिश करूंगा जब नहीं सर बाकी संजीव सर हैं संजीव सर भी आपको कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं अगर आपको लगता है सर। अच्छा जी इंदौर을 지금 보고 있으면은 좀 안타깝기도 하고 또 마음이 급해집니다. 네, so अगर हम इंडिया की बिजनेस को देखा जाए तो फिर हम ये भी सोचते हैं कि इतना ऐसा होना चाहिए था लेकिन इतना हो भी नहीं पाया लेकिन अभी टाइम भी है हम कर भी सकते हैं। 물론 모든 여건이 원활하지 않다는 것을 알고 있습니다. 예, 하지만 무제 있나 봤다 해. 하지만 함에 저 있나 짜이에다 할게 나도 보내이 봐야. 이럴수록 사업자들이 하나된 마음으로 좀 더 매진해 주시면은 더 빨리 모든 일이 정리가 되지 않나 생각을 합니다. 예, 이슬리에 앞 जितना भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और जितना भी बिजनेस पार्टनर्स है हमारा जो कि एक साथ मिलजुल के अगर काम करे तो फिर आगे जाके हम जल्दी से जल्दी सक्सेस भी हो सकते हैं। 지금 제가 인도를 진단하기로는
목표가 좀 잘 안 이루어지는 것 같아요. 목표를 정하지 않는 것 같아요. 예. अगर हम मेरे तरफ से अगर इंडिया के बिजनेस के बारे में अगर देखा जाए तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि अभी इंडिया में जो लीडर्स लोग है जो इन लोगों ने अभी उसका टारगेट बनाया नहीं है. 인생 시나리오를 잘 작성하시 가지고 그 인생 내가 계획한 목표대로 움직이면은 아마 성공이 훨씬 더 빨라질 것입니다. अगर आप लोग लाइफ सिनेरियो लिख करके अगर लाइफ सिनेरियो के हिसाब से अगर आप चलते रहते हैं तो फिर आपका जो मंजिल जो है आपकी जो टारगेट जो है वो जल्दी से जल्दी ऐसी हो सकते हैं. 지금 제가 한 30개국에 가까이 열리고 있는데 인도는 중국 다음으로 큰 시장입니다. अगर अभी तो जैसे कि 30 कंट्रीज में अभी ओपन होने जा रहा है लेकिन चाइनीज की बात अभी इंडिया दूसरा बड़ा कंट्री है जो कि मार्केट इतना बड़ा है. इंदो का इरके जो तदिन इयुनन कोरोना बारे में लीडर들이 가서 교육도 제대로 못 했었고 또 여러분들이 시스템을 배우는데 좀 문제가 있었을 것입니다. अगर मुझे लगता है कि अभी इंडिया में इतना एक्सपांड होना चाहिए था इतना लाइक हो नहीं पाया वो एक ही वजह ये था कि कोरोना के अंदर हमने लॉन्चिंग किया था और इसकी वजह से इतना हो नहीं पाया लेकिन अभी आगे जाके हम कर सकते हैं और ज्यादा. जगह बीजों दल जोंगे से यूँ रह गए आप बहुत सी बोनी संजय हाँ वो मेम बोन देते आंसर में था. अभी हम हमारा इंपीरियल मास्टर जी इंडिया पे जो लीडर्स लोग है अगर अगर हम मेरे दिमाग में अगर जो याद कर सकता हूँ और वो है मिस्टर संजय और कोई दो तीन और इतना आदमी नहीं है उसकी. 우리가 지금 약 한 27개국에 진출해서 거의 실패한 나라는 단 한 나라도 없습니다. 아비 에토미 बहुत सारे कंट्रीज में ऑलरेडी ओपन हो चुका है और 12 साल से जितना कंट्री में ओपन हुआ है एक भी कंट्री में ऐसा फेल हुआ नहीं है. इंडोनेशिया보다 더 열악한 나라 캄보디아나 인도네시아 필리핀 이런 나라에도 잘 되고 있습니다. अगर अभी देखा जाए तो फिर इंडोनेशिया से भी जो कि गरीब कंट्री में जो देखा जाता है वो कंबोडिया और फिलीपींस इतना ऐसे कंट्री में भी अभी एटोमी सक्सेस की ले पे जा रहा है. 지금 인도에서는 사업자들도 중요하지만은 사업자보다 우선 만들어야 될 것이 소비자 군단입니다. 예. 아가 हम अभी इंडिया के लिए देखा जाए तो फिर इंडिया में जो लोग बिजनेस करने वाला ढूंढने की बजाय आप लोग अगर कंज्यूमर को ढूंढा जाए तो फिर यो ज्यादा जरूरी है इंडिया मार्केट के लिए. 제가 9월 달에 가서 보다 좀 체계적인 세미나를 할 계획입니다. 네. 아비 हमारा इंपीरियल मास्टर सितंबर को इंडिया जाके सेमिनार कंडक्ट करने के लिए अभी सोच रहे प्लानिंग चल रहे. 인도에서 지금 가장 원활하게 돌아가려면은 지금 빨리 산자이를 스타마스터를 만드는 게 목표를 잡으셔야 됩니다. 네, 아비 인디아 마켓 के लिए 예, 하마라 एक टीम का मार्केट नहीं है, ये इंडिया का मार्केट के लिए अगर हम एक्सपांड करने के लिए एक आदमी ऐसा आदमी आगे होना चाहिए ताकि स्टार मास्टर की तरह लेवल तक ऊपर चला जाए तो मिस्टर संजय को स्टार मास्टर जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहिए तभी हम इंडिया मार्केट को एक्सपांड कर सकते हैं. 우리 사업은 보여주는 사업입니다. 예. अगर एटोमी बिजनेस अभी देखा जाए तो फिर ये ऐसा बिजनेस है जो कि लोगों को दिखाए. 스타마스터가 왜 중요하냐는 뜻에는 성공의 첫 번째 단계이기 때문입니다. 예, 아가 아블론과 그걸 말해 줘야 그 이스탄 마스터가 क्यों जरूरी है तो फिर इस्ता मास्टर ऐसा एक मास्टरशिप है जो कि हमारे सक्सेस के लेवल तक जाने के लिए सबसे जरूरी जो मास्टरशिप है वो है इस्ता मास्टर. 인도네시아도 스타마스터 한 명 탄생하는데 약 4년이 걸렸습니다. 아가 인도네시아에 비 देखा जाए तो फिर इंडोनेशिया में भी इस्ता मास्टर एक आदमी आने के लिए 4 साल लगे थे. 근데 1년이 지난 지금 스타마스터가 제 산하에서만 4명이 나왔습니다. 아가
ये पहला इस्लाम असर आने की तक 4 साल लगे थे, लेकिन 4 साल पहले आने की बात अभी 1 साल निकल चुका है, और ये 1 सालों में हमारे इंपीरियल मास्टर की डाउनलाइन में ही 4 लोग इस्लाम असर ऑलरेडी आ चुके हैं। 우리 회사 제품은 대부분의 생활 용품입니다. और हमारा कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है वो सभी हम जो डेली यूज करते हैं वही ऐसे प्रोडक्ट्स है। 내 주변에 보면은 애터미 사업을 할 수 없는 분들이 너무나 많습니다. अगर मैं मेरे जो अगल-बगल में जो रहते हैं वो लोग अगर देखा जाए तो फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एटमी बिजनेस करना नहीं जानता। 그런데 그런 분들을 대부분 그냥 지나치시는데 그냥 지나치지 마시고 소비자로 만들으시기 바랍니다. और ये आप लोग ये सोचते हैं कि अगर ये लोग बिजनेस करना नहीं चाहते या फिर करना नहीं आता तो फिर इसके लिए आप लोग इसको मतलब दूर मत रखिएगा। अगर करना भी नहीं आता हो तो फिर वो लोग जरूर कंज्यूमर बनाइएगा ताकि हमारे जो एटमी का प्रोडक्ट जो है वो रेगुलरली कंज्यूम करे। 제일 먼저 하실 부분은 제품을 내가 먼저 써야 되는데 아마 인도에서는 그렇게 쓰기가 좀 수월하지는 않을 것입니다. 예, और सबसे पहला जरूरी ये था कि हम बिजनेस करने के लिए सबसे पहले जो प्रोडक्ट्स जो है खुद कंज्यूम करना पड़ता है, लेकिन इंडिया पे ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है जो कि बिजनेस करने वाले के लिए। 그래서 제일 먼저 내 산하의 젤즈 마스터를 많이 만들어내는 것이 제일 좋습니다. और इसीलिए मेरे डाउनलाइन पे जल्दी से जल्दी जितना हो सके सेल्स मास्टर आ जाए तभी मेरा बिजनेस जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। 왜 그러냐면 애터미는 전 세계 처음으로 전 지구를 똑같은 수당을 주고 있습니다. और वो इसीलिए कि अगर हमारा एटोमी दुनिया का कहीं भी कंट्री में अगर ओपन होने के बाद जो कि कमीशन देता है वो एक ही करेंसी पे देता है, वो ऐसा नहीं कि एक करेंसी में ज्यादा दे रहा है और दूसरे कंट्री में कम दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, सभी कंट्री में एक ही प्राइस में कमीशन देते हैं। 지금 미국이나 일본이나 캐나다나 인도나 인도네시아나 한국이나 똑같은 수당을 드립니다. और आप देखा जाए तो फिर ये यूएसए, कनाडा, जापान और इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया सभी कंट्री में कमीशन एक ही मतलब हिसाब से देता है। 미국에서는 젤즈만 썼다 가지고는 생활이 되지 않습니다. अगर हम देखा जाए तो फिर आप यूएसए में अगर देखा जाए तो फिर एक ऑटो सेल्स मास्टर बनने के बाद भी ये ऑटो सेल्स मास्टर का कमीशन से आप सर्वाइव नहीं हो सकते यूएसए पे। 미국이나 한국은 ऑटो डायमंड मास्टर가 되어야만이 생활이 가능합니다. और ये देखा जाए तो फिर यूएसए और कोरिया में अगर ऑटो डायमंड मास्टर अगर बनता है तभी आप रेगुलरली जो डेली लाइफ जो है वो सर्वाइव हो सकते हैं। 근데 동남아는 ऑटो सेल्समैन 되어도 생활은 가능해집니다. लेकिन अगर आप देखा जाए तो फिर सार्क कंट्री में देखा जाए तो जैसे कि इंडिया में अगर ऑटो सेल्स मास्टर भी बनता है तो फिर महीने का 1,20,000 के करीब मिलता है, तो फिर बहुत आसानी से आप डेली लाइफ तब जी सकते हो। 그래서 애터미의 홈페이지를 애터미 홈페이지가 아닌 나의 홈페이지라고 홍보하시기 바랍니다. और इसीलिए आप लोग को एटोमी का जो होमपेज जो है जो कि वेबसाइट जो है वो ये मत सोचिएगा कि ये कंपनी का वेबसाइट है, ये सोचिएगा कि ये मेरा खुद का वेबसाइट है और ये मेरे खुद के वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए मैं जितना लगन जो करना चाहिए वो कीजिएगा। मानव मंदरे एटमी होमपेज를 본인의 소유라는 것을 모르고 계신다는 거지। और अगर बोला जाए तो फिर बहुत सारे लोग जो कि हमारा एटमी जो बिजनेस कर रहे हैं वो लोग ये जानता नहीं है कि हमारा एटोमी का जो वेबसाइट जो है वो हमारा वेबसाइट, ये सोचता नहीं है। 운영은 애터미가 하지만은 회원 가입과 동시에 애터미의 홈페이지는 자동으로 분양이 되는 것입니다. और अगर बोला जाए तो फिर ये आप जब भी जिस दिन आप रजिस्टर होता है उसी दिन से ये जो एटोमी का जो वेबसाइट जो है वो अपना वेबसाइट हो गया है
और ये आपने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है ऐसा सोच करके आप काम करना शुरू कीजिए. एथमिनन 세계 어디에 내놔도 손색이 없는 온라인 시스템입니다. और एटोमी का जो सिस्टम जो है वो आप दुनिया के कहीं भी जगह पे रहते हो तो फिर ऐसा कोई बाउंड्री नहीं है उसका जो बिजनेस करने का तो आप कहीं से भी कर सकते हैं. 내가 알고 있는 주변 분들 주위 지인이나 친지들한테 이 홈페이지가 내가 운영하는 홈페이지라고 이야기하고 다니십시오. और आप जो भी जो कि आपके जान पहचान में रहते हो आपके फैमिली मेंबर्स हो या फिर रिलेटिव्स हो किसी को भी आप ये बोल के जाइएगा कि मेरा एक वेबसाइट है शॉपिंग मॉल है ऑनलाइन शॉपिंग मॉल का वेबसाइट है ये atomy.com या फिर atomy.com/inka ये आप लोग यूज कीजिएगा ऐसा बोलते जाइएगा आप लोगों को. इसे मुल्गन घूमे हमें और आप लोग अगर यहाँ से अगर सामान खरीदते हो तो फिर उसकी वजह से मेरा सक्सेस और ये मेरा जो जो काम जो है वो सक्सेस हो सकता है ये सब आप लोगों को बताते जाइएगा और इसके हिसाब से आप काम करते जाइएगा. 우리 애터미가 지급하는 제품은 남녀노소 누구나 다 써야 되는 제품입니다. अगर आप देखा जाए तो फिर एटोमी का जो भी प्रोडक्ट्स है वो ये है कोई को किसी को भी घर में जो जरूरी है वो ही सब प्रोडक्ट्स है हमारे यहाँ. 그리고 끊임없는 소비성입니다. और ये प्रोडक्ट्स जो हम जितना हम जब तक जी रहे हैं जब तक जरूरी है ऐसा प्रोडक्ट है हमारा एटोमी का. 그래서 사업자가 아니더라도 소비자를 명단을 좌우에 한 20, 30명씩 적어놓고 그분만 계속 상대를 하신다면은 아마 스타마스타 가는데 그리 어렵진 않을 것입니다. अगर आप जैसे कि अगर बिजनेस करने वाला अगर अगर मिल भी नहीं रहा हो लेकिन आपका अगर कोई कंज्यूमर जो है वो एक दाएं तरफ 30-40 लोग बाएं तरफ 30-40 अगर आप मेंटेन करते हो वो लोग को अगर आप जर मंथली जो सामान खरीदे उनका जो यूजेस करने के लिए जो सामान है वो अलग यूज करने के लिए आप मेंटेन कर सकते हो तो फिर आप स्टार मार्शल जाने तक इतना आसान मतलब डिफिकल्ट नहीं होगा. उरी साबन टीमवर्क साबिमिदा. और हमारा बिजनेस वो है टीमवर्क बिजनेस है. 그리고 아무리 능력이 있어도 혼자서는 가지 못합니다. और आप जितना भी अगर जानता हो सही अगर आप जितना भी अगर जल्दी का मानिक ज्यादा कर सकते हो लेकिन आप अकेले कभी भी आप सक्सेस नहीं हो सकते इस बिजनेस में. 밑에 파트너가 스폰서를 키워주는 사업입니다. और आप लोग ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी पार्टनर आपको क्या कहते हैं तो स्पॉन्सर कर रहे हैं क्योंकि आपके आप सक्सेस हो ऐसा एक बिजनेस है हमारा. 그래서 끊임없이 1일과 16일에는 내 산하에서 판매사를 몇 명을 만들 것인지 또 젤즈마스터를 많이 만들어 내는 계획을 잡으셔야 됩니다. और इसीलिए आप लोग मंथ का पहले तारीख और 16 तारीख को ये देखना बहुत जरूरी है कि इस टर्म पे मैं किन किन लोगों को सेल्स मास्टर बनाऊं किन किन लोगों को ऑटो सेल्स मास्टर बनाने के लिए मैं मदद करूं ये सब बहुत सारे प्लानिंग आपको करना बहुत जरूरी है. 그리고 너무 많은 분들하고 해야 하는 것보다는 내 좌우에 두 명에 두 명씩 같은 아들하고 회의를 하시기 바랍니다. और बहुत सारे लोगों के साथ आप हर रोज मीटिंग करने की जरूरत नहीं है लेकिन आपके दाएं तरफ और बाएं तरफ में दो या दो दो लोग या फिर तीन तीन लोग के मीटिंग टीम्स बना के उसका साथ हर रोज मीटिंग होना बहुत जरूरी है. 오늘은 시간도 능력이 받지 못했고 또 제가 9월 달에 두 달 후에는 인도를 갈 예정이라서 한번 그때 가서 리더분들하고 좀 긴 세미나를 하면서 좀 상세하게 애터미 저 시스템을 정확하게 말씀을 드리도록 하겠습니다. 예. और मैं जैसे कि आप लोगों के साथ मैं सितंबर में इंडिया जा करके वहां से आप लोगों के साथ बहुत सी सारी डिटेल्स में आप लोगों के साथ बात करने के जब टाइम जब मिलेंगे तब आप लोगों के साथ बहुत इन डिटेल्स में आपके साथ बात करेंगे. 저는 세계 어느 나라를 다니면서도 늘 하는 말이 있습니다. 또 세일즈 마스터 무조건 가십시오. 예, 하마레 임페리얼 마스터지, 아, 두니아비 헤기 찰레 찰레 자테요. 또, 필마 로봉코 바타테,
कि पहले आप ये बनने की कोशिश कीजिएगा कि ऑटो सेल्स मास्टर बनने की कोशिश कीजिएगा, तभी आप आगे जाके सक्सेस हो सकते हैं। 처음 1년 동안만 하루에 10만 포인트씩만 판매를 하신다는 생각을 한번 해보세요. 아가 आप लोग ये सोच के अब देखिएगा कि एक साल एक हर रोज आप 1,00,000 पॉइंट लोगों को सामान बेच करके आप आगे जाएंगे। 지금의 시스템은 애터미 시스템은 전 세계에서 애터미만이 유일합니다. 네, 아가라 देखा जाए तो फिर एटोमी ऐसा एक सिस्टम है ऐसा एटम ताकि आप ये सिस्टम से आप बहुत अच्छे तरीके से पैसे भी कमा सकते हैं और अच्छे तरीके से बिजनेस भी कर सकते हैं। 그래서 오늘 이 자리에서는 다 말씀을 드릴 수가 없지만은 보다 좀 상세하게 제가 인도 뉴델리에서 아마 니드분들을 모시고 세미나를 하면은 보다 좀 더 세밀하게 그리고 또 알아들을 수 있을 정도로 할 것입니다. 네. और ये जब मैं न्यूजीलैंड जाऊंगा तो फिर इस यहाँ पे इस आज सेमिनार पे बहुत सारे डिटेल्स में आप लोगों को बात तो नहीं कर सकते, लेकिन अब मैं जब दिल्ली जाऊंगा तो फिर लीडर्स के साथ जो मिलजुल कर करके कि किस तरीके से हम आगे जाएंगे और इन डिटेल्स में आप लोगों के साथ मैं डिस्कशन करना चाहूंगा। जगह इंपीरियल 11년 만에 갔습니다. अगर अब देखा जाए तो फिर मैंने इंपीरियल मास्टर 11 बनने के लिए 11 साल लगाए थे। 여러분들이 11년 만에 간다는 소리는 아닙니다. और मैं ये नहीं बता रहा है कि आप लोग को 11 साल में इंपीरियल मास्टर बने। 회사가 회사 사무실도 없었고 또 제품도 딱 두 가지 가지고 시작해서 약 5년 동안은 회사가 엄청 가난했습니다. अगर हम देखा जाए तो फिर मैंने जब शुरू किया था तो कंपनी के पास पास दो ही प्रोडक्ट थे और जब ज्वाइन किया था उसके आगे 5 साल तक तो कंपनी एटोमी ऐसा कंपनी बहुत ही गरीब कंपनी थे। 지금 회사는 세계 전 세계에서 10위권에 들어 있습니다. 네, और अभी देखा जाए तो फिर एटोमी हमारा दुनिया का टॉप 10 रैंक में अभी ऑलरेडी आ चुका है। 제 뒤에 보이는 사진이 애터미 오롭 공장 7천 명이 들어갈 수 있는 스튜디오입니다. 네, 어, 임페리 마사지기 저 비하인드에 저 포토 देख रही है वो एक हमारा एटोमी का जो कि सेमिनार सक्सेस सेमिनार जो करते हैं वो वहां पे एक 7000 लोग का एंट्री हो सकता है वो हॉल है जो दिखाई दे रहा है। 전 세계 어떤 네트워크 회사도 저런 자체의 큰 대형 스튜디오를 가지고 있는 회사는 없습니다. अगर आप देखा जाए तो फिर दुनिया का कोई भी ऐसा कंपनी जो कि नेटवर्क कंपनी जो है इस तरीके से जो सेमिनार हॉल जो है उसके पास नहीं है। 제가 임페리를 간 지가 1년 정도 됐는데 제가 8월로 갔습니다. 네. और हमारे इंपीरियल मास्टर जी ने इंपीरियल मास्टर मतलब एक साल पहले ही बना था और जब बनाए थे तो 8th पोजीशन पे मतलब इंपीरियल मास्टर का जो 8वां इंपीरियल मास्टर जो है जो हमारा इंपीरियल मास्टर जी। 그런데 이번 7월 15일 날 제 12호 임페리얼 마스터 승급식이 있습니다. और इस महीने 15 तारीख को कोरिया में सक्सेस सेमिनार है और वहां पे 12th इंपीरियल मास्टर आ रही है। 그렇게 빨리빨리 지금은 계속해서 임페리얼 마스터들이 나오고 있습니다. और देखा जाए तो फिर पहले तो बहुत ही धीरे-धीरे साल में एक या फिर दो साल में एक ऐसे आते थे, लेकिन अभी तो पिछले एक साल में जब 8वां बना था और ये भी 12वीं आ चुकी है तो मतलब एक साल में बहुत सारे लोग अभी आ रही है। 아마 지금까지는 한국 사람입니다만은 늦어도 올년 빠르면 올년 말 늦어도 내년에는 글로벌 임페리얼들이 상당히 많이 나올 것입니다. और अभी तक तो जैसे कि कोरिया से शुरू हुआ था एटोमी इसीलिए अभी तक तो जो इंपीरियल मास्टर जो है वो सिर्फ कोरिया नहीं आ रही है, लेकिन ईयर इस साल का ईयर एंड तक या फिर नेक्स्ट ईयर तक अगर देखा जाए तो फिर ग्लोबल इंपीरियल मास्टर भी आने के लिए अभी लाइन में लगा हुआ है। चीन, तैवान, मलेशिया, मीगुक इन नारायसा जिन कई इंपीरियल मुख्य ने तुगो इसमें ये अगर आप देखा जाए तो फिर चाइना यूएसए और मलेशिया यहाँ ये सिर्फ कंट्रीज में अभी इंपीरियल मास्टर जाने के लिए सब प्रिपरेशन चल रही है। इंदोनेशिया
인구수가 많기 때문에 외국 나가지 않더라도 인도 내에서만 해도 수십 명의 임페리얼들이 나올 것입니다. अगर आप देखा जाए तो फिर इंडिया ऐसा कंट्री है जो कि वर्ल्ड से सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है और इंडिया से अगर बाहर भी जाता नहीं हो तो फिर इंडिया के अंदर से भी आप कुछ सालों के बाद मतलब बहुत से लोग इंपीरियल मास्टर आने वाले हैं जगम एटोमिक ने से 너무나 많은 부자들이 탄생하고 있습니다. और एटोमिक की वजह से हर रोज बहुत सारे लोग रिचमैन मतलब कि अमीर लोग जो है वो आ रही है अभी कोरिया में भी तो एटमिरल जो नक्के मानना फैन है अगर देखा जाए तो फिर मैं भी एटोमी मतलब शुरुआत में शुरू नहीं किया था मतलब कि कुछ शुरुआत होने की कुछ महीने बाद थोड़ा धीरे से मैंने ज्वाइन किया 56살에 에테미를 만나서 66살에 임페리얼이 되었습니다. और हमारे इंपीरियल मास्टर जी ने 50 की उम्र में एटोमी ज्वाइन किया था और ये अभी 60 की उम्र में अभी ये इंपीरियल मास्टर हो गया. 그동안 초창기 때는 열심히 했지만은 좀 중간에 약간 공백기가 있었기 때문에 좀 늦었지만은 지금은 그렇지 않습니다. 네. अगर शुरू-शुरू में मैं सबसे मतलब बहुत मन लगा के मैं किया था अगेन बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल गई थी इसीलिए मेरा इंपीरियल मास्टर जो है वो 11 साल तक लगा चुका है लेकिन अभी वो नहीं है मैं बहुत ही कोशिश कर मतलब बहुत सिनेरियो जो है अभी चेंज हो चुका है इंडो का कोरोना पेंडेमिक 중에 상황에서 오픈된 나라이기 때문에 조금만 더 체계가 갖춰진다면은 엄청나게 빠른 속도로 성장할 것입니다. और इंडिया अभी कोरोना की वजह से थोड़ा सा जो स्पीड जो है वो धीरे चल रही थी लेकिन अभी कोरोना एकदम से अभी शांत होने की बात कि स्पीड जो है वो एकदम से ऊपर की मतलब भरते जाएंगे आप लोग देखते रहिए 그래서 벌써 시간이 다 되어버렸기 때문에 제가 오늘은 아쉽지만 여기서 마치도록 하고 인도 지사장님하고 지금 협의 중에 있습니다. 그 되는 대로 그 발표를 해서 아마 9월 달에는 제가 인도로 갈 것 같습니다. 그때 예. 여러분들 직접 만나 뵙고 또 좀 더 질문도 받고 좀 상세하게 말씀을 드리도록 하겠습니다. 대단히 감사합니다. 예. और देखा जाए तो आज का जो टाइम जो मेरा स्लॉट मिला था अभी तो अभी खत्म हो चुका है इसीलिए आप लोगों को जब न्यू दिल्ली जब आऊंगा तब आप लोगों के साथ बहुत सारे डिटेल्स में आप लोगों के इस पर जो क्वेश्चंस जो है वो मैं कोशिश करूंगा आंसर करें और इंडिया का हमारा जो MD है अब्रम ली के साथ अभी बातें चल रही है ऑलमोस्ट फिक्स हो चुकी है लेकिन मैं सेप्टेम्बर में जाके न्यू दिल्ली में आप लोगों के साथ फेस टू फेस मिल के आप लोगों के साथ सेमिनार करना चाहूँगा तभी आप लोगों के साथ बहुत सारे डिटेल्स में बात करेंगे चलो कमसामिदा ओके थैंक यू एवरीवन और इंपीरियल मास्टर इज सेइंग